वेलकम तो so, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का रिविजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप 20 डेज प्लान स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे। आज हमें कवर करना है इंटरनल ट्रेड बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है मतलब आपके आसपास ही सब हो रहा होता है वो सब इस चैप्टर में लिखा हुआ है बस आपको पढ़ना है तैयार करना है और एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है तो आइए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को आसान बनाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इंटरनल ट्रेड चलिए लेट्स बिगे तो गई जी जो हमारा चैप्टर है ये आपकी बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है क्योंकि इसमें हम ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं अब ट्रेड ट्रेड क्या है है बाइंग एंड एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज इज नोन एज सीधी सी बात यार व्यापार करने को हम ट्रेड बोलते हैं हमारे आसपास हर इंसान व्यापार कर रहा है कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो अब हमारे पास ये जो ट्रेड वाला पार्ट है ये आपके पूरे क्लास इलेवेंथ के सिलेबस में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर ट्रेड हमारे देश के अंदर अंदर हो रहा है यानी कि लोकल लेवल पे हो रहा है कंट्री के अंदर अंदर स्टेट चेंज हो सकता है तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं और अगर ट्रेड बाहर हो रहा है यानी इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या बाहर से कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड तो दो प्रकार के ट्रेड होते हैं इंटरनल जो होगा विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन एक्सटर्नल जो होगा आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनल ट्रेड क्या होगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं बाइंग ऑन सेलिंग विद इन द कंट्री होगी पेमेंट सारी होम कंट्री में होगी सेम करेंसी चलने वाली है लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होने वाला है मतलब किसी भी तरीके की कोई समस्या इस पर्टिकुलर ट्रेड में बिजनेस में नहीं है इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार का हो सकता है बहुत सिंपल है आपके आसपास आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बल्क में डील करते होंगे जो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते होंगे बड़ी ही क्वांटिटी में बेचते होंगे तो ऐसे लोग जो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं उन लोगों को बोला जाता है होलसेलर्स उनको क्या बोला जाता है होलसेलर्स और वो जो बिजनेस कर रहे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उसको बोला जाता है होलसेल ट्रेड अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली लेनी है अब फेयर एंड लवली आजकल ग्लो एंड लवली हो गई है तो ग्लो एंड लवली अगर आपको एक सिंगल पीस लेना है तो ये होलसेलर नहीं देगा ये तो पूरा फैमिली पैक देगा ये इंडिविजुअल का नहीं देगा तो अगर आपको बल्क में लेना है तो होलसेल से लो बट सिंगल पीस लेना है तो कौन देगा रिटेलर और वो जो व्यापार कर रहा है उसको बोला जाता है रिटेल ट्रेड तो अगर छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदना है सिंगल पीस में खरीदना है सिंगल क्वांटिटी में खरीदना है तो वहां पे मदद करेगा रिटेलर जो कर रहा है रिटेल ट्रेड बल्क में खरीदना है आपको बिजनेस करना है उससे तो वहां पर मदद करेगा होलसेलर वो कर रहा है होलसेल ट्रेड देखो क्या लिखा है होलसेल ट्रेड में होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड बोलते हैं है. है. है किसके बीच में जिसने बनाया मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर और जो रिटेलर है जो एक एक पीस बेचेगा तो होलसेलर किसके बीच में होता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर ही परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल दिन स्मॉल क्वान्टिटीज एंड इन लॉट टू द रिटेलर सर्विसेस ऑफ होलसेलर अब देखो होलसेलर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे पहला इंपॉर्टेंट सवाल अब सर होलसेलर किसके टो यह डायग्राम है यह बना देना होलसेलर किसके टच में है इसके ऊपर मैन्युफैक्चर है जिसने सामान बनाया है और इसके नीचे रिटेलर है जो कस्टमर के टच में है. तो ये क्या सर्विसेज देगा मैन्युफैक्चर को और क्या सर्विस देगा रिटेलर को ये आपको पढ़नी है सबसे पहले सर्विसेज ऑफ होलसेलर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर के लिए क्या-क्या हेल्प कर क्या करता है मैन्युफैक्चरर की अब मैन्युफैक्चरर ने बहुत बल्क में सामान बनाया होलसेलर क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर से बल्क में ही सामान उठा लेते हैं जब होलसेलर बल्क में सामान खरीद लेगा या उठा लेगा तो उस सिनेरियो में मैन्युफैक्चरर को अपने पास स्टोर करने की प्रॉब्लम नहीं है कोई भी क्योंकि उसको पता है कि मैं जो भी सामान बना रहा हूं वो सारा सामान कौन खरीदने वाला है मेरे से होलसेलर खरीदने वाला है तो मैन्युफैक्चरर के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्टोरेज की तो सबसे पहली सर्विस जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है वो होता है स्टोरेज होलसेलर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड कीप देम इन देयर बड़ाउंस ठीक है हेल्प्स इन मार्केटिंग मार्केटिंग का मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन uh, करने में लोगों की नॉलेज में डालने में थोड़ा बहुत मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करने में सेल करने में ये सारा काम करने में मदद करता है होलसेलर भाई सामान तो मैन्युफैक्चरर का ही है ना अल्टीमेटली बनाया तो उसी ने बट उसकी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग सेलिंग ये सब करने में कौन मदद कर रहा है होलसेलर तो क्या लिखा हुआ है द होलसेलर टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अ नंबर ऑफ रिटेलर एंड रिटेलर सेल दीज गुड्स टू कस्टमर्स दिस रिलीव द मैनुफेक्चर फ्रॉम मेनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज तीसरा एक्सपोर्ट एडवाइस एक्सपोर्ट एडवाइस कैसे दे सकता है ये क्योंकि देखो मार्केट में किस चीज की डिमांड आ रही है वो तो रिटेलर बताएगा क्योंकि रिटेलर रिटेलर से कौन मांगेगा वो सामान कस्टमर मांगेगा अब कस्टमर सपोज रिटेलर को जाके बोलता है कि यार ठंड हो रही है और ठंड में इस बार आ, ब्लू कलर की जैकेट्स चल रही है तो ब्लू कलर की जैकेट्स की बहुत डिमांड आ रही है तो वो जो रिटेलर होगा वो होलसेलर को बताएगा भाई ब्लू की डिमांड ज्यादा है ब्लू बनवाओ तो होलसेलर एक्सपर्ट एडवाइस देगा मैन्युफैक्चरर को कि और कोई कलर मत बनाना सबसे ज्यादा ब्लू कलर बनाना कि मार्केट में डिमांड किसकी है ब्लू कि की है तो होलसेलर क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है रिटेलर के और रिटेलर इस पोजिशन में होता है कि वो मैन्युफैक्चरर को एडवाइस कर पाए कि कस्टमर का टेस्ट क्या है मार्केट कंडीशन क्या है कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है तो एक्सपर्ट एडवाइस देता है नंबर फोर फाइनेंशियल असिस्टेंस कई बार मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो जनरली होलसेलर कुछ पैसा एडवांस में भी भेज देते हैं मैन्युफैक्चरर को कि ये पैसा पकड़ो भाई साहब सामान बना दो अच्छे तरीके से तो यूजुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल हेल्प भी होलसेलर देता है किसको मैन्युफैक्चरर को इसके बाद बियरिंग रिस्क अब भाई देखो सामान सारा का सारा कौन उठा लेता है होलसेलर उठा लेता है अपने गोडाउन में रखता है तो खराब होने का चोरी होने का ना बिकने का ये सब रिस्क भी किसने ले लिया होलसेलर ने ले लिया या नहीं ले लिया तो क्या बोलते हैं द होलसेलर मर्चेंट्स डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम एंड कीप द गुड्स परचेज इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं जैसे प्राइस गिर गया तो क्या होगा थेफ्ट यानी चोरी हो जाए पिलफ्रिज खराब हो जाए स्पॉइलेज फायर ये सब का लॉस या रिस्क सारा होलसेलर का होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में मदद करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कैसे मदद करता है क्योंकि होलसेलर का इंश्योरेंस होता है कि यार तू बना मैं खरीदूंगा तो टेंशन मत ले तू तो दिल खोल के सामान बना तेरी सामान सारा मैं खरीदूंगा तो जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है उसके दिमाग से स्ट्रेस निकल जाता है और वो खुल के प्रोडक्शन करता है क्योंकि उसको पता होता है कि होलसेलर वो इंसान है जो उससे सामान खरीद लेगा तो कोई भी चार पॉइंट आप याद कर सकते हो ज्यादा इसमें चिंता वाली बात नहीं है और मैं फिर बोलूंगा ये चैप्टर बहुत सिंपल है अपनी लैंग्वेज में आसानी से आप लिख के आ सकते हो अब दूसरा इंसान कौन है रिटेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ये बहुत सारी तो कॉमन सर्विसेज हैं और बहुत सारी नई सर्विसेज हैं जो आप आसपास देख सकते हो सबसे पहली सर्विस जो है वो है मार्केटिंग सपोर्ट मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब ये है कि होलसेलर ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहा होता है प्रोडक्ट की जैसे एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है जैसे सेल प्रमोशन कर रहा होता है सर सेल प्रमोशन क्या होता है सेल प्रमोशन होता है सेल को प्रमोट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करना जैसे डिस्काउंट्स देना जैसे एक्स्ट्रा ऑफर्स चलाना जैसे बॉर्नविटा bon के साथ मग फ्री कॉफी के साथ कॉफी मग फ्री इस तरीके के ऑफर्स चलते हैं ना वो सब सेल्स प्रमोशन है तो ये सब होलसेलर ऑलरेडी कर रहा होता है तो रिटेलर को कुछ अलग से नहीं करना पड़ता तो होलसेलर ने सबसे बड़ी सर्विस जो रिटेलर को दी वो है मार्केटिंग प्रोडक्ट को मार्केट करने में मदद करता है होलसेलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होलसेलर बेसिकली बहुत सारा चीजें नहीं बेचता लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करता है लेकिन उसकी उसको फुल नॉलेज होती है क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है काफी सालों से काफी समय से तो होलसेलर के पास हमेशा से ही स्पेशलाइज नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के बारे में अगर रिटेलर को, को कोई भी डाउट है कोई क्वेरी है कुछ पूछना है तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है किसके पास होलसेलर के पास वो उसकी हर प्रॉब्लम का हर समस्या का समाधान करेगा रिस्क शेयरिंग होलसेलर ऑब्वियसली बल्क में खरीद रहा है और रिटेलर तो दो दो चार चार पांच पांच पीस खरीदता है जब खत्म हो जाता है फिर होलसेलर से मंगा लेता है फिर खत्म हो जाता है फिर मंगा लेता है तो रिटेलर रिस्क नहीं लेता बहुत ज्यादा रिस्क किसका होता है, है सारा होलसेलर का होता है तो होलसेलर क्या करता है परचेज करता है बल्क में और सेल करता है थोड़ी सी थो छोटी क्वांटिटीज में रिटेलर को रिटेलर किस पोजीशन में है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज उसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है प्राइस अगर गिर गए तो सोचने की जरूरत नहीं है पांचवा सॉरी फोर्थ पॉइंट इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट ग्रांट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है सर ग्रांट मतलब प्रोवाइड करना क्रेडिट मतलब उधार यूजली रिटेलर क्या करते हैं होलसेलर से उधार में माल उठा लेते हैं अब यहां पे ये चीज याद रखना कि सभी रिटेलर्स को उधार नहीं मिलता जब आपका एक सर्कल बन जाता है जब आपकी जान पहचान हो जाती है जब आपका मार्केट में नाम बन जाता है कि आप पैसा लेके नहीं भागोगे तो उस सिनारियो में रिटेलर्स को उधार पे सामान मिल जाता है तो रिटेलर क्या करता है होलसेलर को बोलता है भाई फोन करेगा पांच पीस भिजवा दो फेयर एंड लवली के अब फेयर एंड लवली के पांच पीस आ गए जब वो बिक जाएंगे तो उसके पैसे दे देगा और अगला ऑर्डर दे देगा कि अब सनसिल्क शैम्पू भिजवा दो जब वो शैम्पू बिक जाएंगे फिर अगला ऑर्डर देगा आप कोलगेट क्रीम भिजवा दो तो इस तरीके से चीजें कोलगेट क्रीम नहीं कोलगेट टूथपेस्ट ठीक है जी तो ये हमारे पास उधार भी प्रोवाइड करता है रिटेलर को ठीक है जी अब हमारे पास आ रहा है रिटेल ट्रेड सर रिटेल ट्रेड क्या होता है भाई जो व्यापार छोटी क्वांटिटी में होगा उसको हम रिटेल ट्रेड बोलेंगे कौन कर रहा होगा रिटेलर कर रहा होगा रिटेलर किसके बीच में होगा होलसेलर और कस्टमर के बीच में ठीक है देखो रिटेलर होलसेलर कस्टमर रिटेल ट्रेड इज द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज अंडर दिस ट्रेड द गुड्स आर फाइनली रीच टू द कंज्यूमर द पर्सन हुर एगेज इन दिस ट्रेड इज नोन एज रिटेलर देर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलिंग अलग अलग रिटेलिंग हो सकती है पर्सनली बेच लो आप टेलीफोन पे बेच लो ऑनलाइन बेच लो वेंडिंग मशीन ठीक है वेंडिंग मशीन क्या होता है जैसे ए टी एम ठीक है या फिर आप स्टेशन पे देखोगे पानी की बोतल निकल जाती है चिप्स निकल जाते हैं तो उन सब मशीन को हम वेंडिंग मशीन बोलते हैं जो सेल्फ सर्विस है ठीक है अब रिटेलर किस किस को सर्विस देगा रिटेलर किस किस के बीच में लिंक है होलसेलर और कस्टमर के बीच में ठीक है तो सर्विस ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड टू कस्टमर्स सबसे पहले तो होलसेलर्स के लिए क्या सर्विसेज हैं देखो नंबर वन सबसे पहली सर्विस और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स देखो मैन्युफैक्चरर ने तो एक जगह बैठ के सामान बना दिया यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन वहां से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तो पूरे देश में फैला होता है फॉर एग्जाम्पल मेरी बिजनेस बिजनेस स्टडीज स्टडीज की की बुक बुक है तो मेरी की बुक छपी तो एक जगह पे है लेकिन वो कंज्यूम तो अक्रॉस इंडिया होती है ना तो उस बुक को कौन सप्लाई कर रहा है पूरे देश में कौन पहुंचा रहा है रिटेलर ना कि मैन्युफैक्चरर समझ रहे हो तो रिटेलर जो सबसे बड़ा काम करता है किसी भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के लिए वो ये करता है कि वो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कस्टमर के घर तक पहुंचा के आता है रिटेलर तो रिटेलर का सबसे पहला सर्विस क्या है टू प्रोवाइड हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग दीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट डिफरेंट एरियाज नंबर टू कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके होलसेलर को देता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है कंज्यूमर क्या मांग रहा है किस प्राइस पे मांग रहा है पहले प्रोडक्ट का क्या फीडबैक रहा कस्टमर ने पसंद करा या नहीं करा करा तो क्यों करा नहीं करा तो क्यों नहीं करा तो हर चीज की जैसे होलसेलर एक्सपोर्ट एडवाइस दे रहा था ना रिटेलर को वैसे रिटेलर भी एक्सपोर्ट एडवाइस देता है मार्केट के बारे में होलसेलर को कि भाई किस तरीके से चीजें हो रही है इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन अब रिटेलर भी मार्केट सेल निकाल के देता है किसको होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को तो जो बर्डन ऑफ सेलिंग है वो सब रिटेलर ले लेता है जिससे मैन्युफैक्चरर को एक रिलीफ मिल जाता है कि ठीक है मैं बना सकता हूं खुल के मेरा सामान होलसेलर खरीद लेगा और होलसेलर से कौन खरीद लेगा रिटेलर खरीद लेगा ये कॉमन पॉइंट है नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग क्या होता है फेस टू फेस सेल करना पर्सनल सेलिंग क्या होता है बेटा जी फेस टू फेस सेलिंग करना अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम किसी कपड़े की दुकान की बात करते हैं अब हमारा चिंटू गया वहां पे कोट पैंट लेने के लिए अब जो पर्सनल सेलिंग कर रहा है उसने हमारे चिंटू को पहनाया एक रेड कलर का कोट पेंट और उसको बोला अरे भैया क्या जबरदस्त दिख रहे हो चिंटू जी मजा आ गया देख के अब चिंटू को खुद को इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सामने वाला रिटेलर है वो तो पक्का सेल्समैन है वो बेचने की कोशिश कर रहा है उसको बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा रहा है अरे यार सब आपको ही देखेंगे जहां जाओगे अब चिंटू को लगा यार सब मुझे ही देखेंगे मैं ही तो हीरो हूं इस पिक्चर का तो चिंटू ने भी ले लिया तो पर्सनल सेलिंग की मदद से रिटेलर आपके प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुंचाता है और सेल निकाल के देता है चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो तो क्या लिखा है इन द प्रोसेस ऑफ सेल पर्सनल सेलिंग एफर्ट इज नेसेसरी रिटेलर अंडरटेक पर्सनल सेलिंग एंड रिलीव द प्रोड्यूसर ऑफ दिस एक्टिविटी ठीक है तो प्रोड्यूसर फोकस कर सकता है प्रोड्यूसिंग पे रिटेलर फोकस करता है सेल्स पे नेक्स्ट क्या होता है कस्टमर को क्या बेनिफिट होते हैं कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक एक पीस जब आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप डिटॉल सॉप यूज करते हो तो आपको डिटॉल की पूरी पेटी लाके रखने की जरूरत नहीं है आप एक एक दो दो लाते रहो जब खत्म हो जाए फिर और ले आओ रिटेलर के पास अवेलेबल है तो आपके गुड्स को रेगुलरली अवेलेबल कराने का जिम्मा किसने उठाया होता है रिटेलर ने तो कस्टमर के लिए रेगुलर अवेलेबिलिटी बना के चलता है कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है क्या भला द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इज टू मेंटेन रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ठीक है नंबर टू वाइड सेलेक्शन अब रिटेलर के पास अलग अलग वैरायटी का सामान होता है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब अगर आपको मिल्क लेना है तो तीन चार तरीके के मिल्क मिल जाएंगे शैम्पू लेने अलग अलग मिल जाएंगे सोप लेने अलग अलग मिल जाएंगे कुछ भी तुम्हें लेना हो वैरायटी होती है कंज्यूमर के लिए चॉइस होती है रिटेलर के पास इतनी चॉइस नहीं होती क्योंकि जो होलसेलर होते हैं वो बल्क में ही डील करते हैं लेकिन एक एक प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं बट रिटेलर के पास तो पचासों तरीके की वेराइटी होती है तो कस्टमर को चॉइस कौन देता है रिटेलर देता है रिटेलर जनरली कीप स्टॉक ऑफ वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैनुफैक्चर दिस इनेबल्स द कंज्यूमर टू मेक चॉइस आउट ऑफ अ वाइड सेलेक्शन ऑफ गुड्स प्रोवाइड क्रेडिट क्रेडिट मतलब उधार उधार कौन देता है रिटेलर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पर कोई गेस्ट आ गया अब मेरी मम्मी बोलेगी बेटा जब भाग के कोल्ड ड्रिंक लिया अब मेरे पड़ोस में एक अंकल है पप्पू अंकल तो पप्पू अंकल की दुकान है कोल्ड ड्रिंक की तो मैं कई बार भाग के चला जाता हूँ बोलता हूँ पप्पू अंकल जरा फटाफट से कोल्ड ड्रिंक दे दो पैसे रात को दूंगा अभी मैं वॉलेट नहीं लाया तो पप्पू अंकल कहते हैं कोई बात नहीं ले जा यार कोई चक्कर ही नहीं है दे देना आराम से तो क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है हमारे आसपास के रिटेलर से क्योंकि हमारी उनसे जान पहचान हो जाती है हमें खाता चलता है भाई लिख लेना ठीक है तो क्या है द रिटेलर समटाइम्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देर रेगुलर बायर्स इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली सेल्स भी बढ़ती है रिटेलर की पैसे तो आई जाने हैं नंबर आफ्टर आफ्टर सेल सेल सर्विसेज सर्विसेज रिटेलर आपको भी देते हैं जैसे कि होम डिलीवरी अब आटा चीनी घर ही आ जाती है ना होम डिलीवरी हो गया उसके बाद सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स रिटर्न एंड रिफंड कई बार कुछ गलत निकला तो रिटर्न कर देंगे रिफंड कर देंगे हमारा पैसा तो इस तरीके की आफ्टर सेल सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है कस्टमर के लिए किसकी तरफ से रिटेलर की तरफ से तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी और चैप्टर का पहला सेगमेंट खत्म हो जाता है बेटा पहले सेगमेंट में आपको क्या पढ़ना है कि रिटेलर कौन है होलसेलर कौन है इंटरनल ट्रेड क्या होता है और क्या क्या सर्विसेज हैं होलसेलर की क्या क्या सर्विसेज हैं रिटेलर की ठीक है अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का दूसरा सेगमेंट अब रिटेल ट्रेड कितने प्रकार का होता है मतलब होलसेल तो बल्क में हो ही गया अब रिटेल में भी ना छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वो कई प्रकार के होते हैं हमारे पास सबसे पहले जो कैटेगरीज है वो दो तरीके की हैं एक है इटेरेंट रिटेलर्स और एक है फिक्स शॉप रिटेलर्स तो सर इटिनरेंट किसको बोलते हैं इटनेरेंट उनको बोलते हैं जिनके पास अपनी फिक्स्ड शॉप्स नहीं है जैसे कार्ट वेंडर्स हो जाते हैं या आप लोग देखते हो ना पेड़ के नीचे बैठ के छोटे छोटे स्टोर्स लगाते हैं या इस तरीके के लोग तो रिक्शा पुलर्स हो गए तो जिनके पास अपनी दुकानें नहीं है रैक पिकर्स वो सारे के सारे इटेरेंट्स में आते हैं और जिनके पास अपनी दुकानें हैं फिक्स शॉप में आते हैं अब फिक्स शॉप्स में भी दो हैं कुछ तो होते हैं स्मॉल रिटेलर्स और कुछ होते हैं लार्ज रिटेलर्स तो अब आपको जो चैप्टर को आगे बढ़ाना है ये टॉपिक पढ़ना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा इटिनरेंट्स कौन है याद रखो जिनके पास अपनी दुकानें नहीं है फिक्स शॉप में दो हैं स्मॉल और लार्ज चलो

दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स फ्रूट वेजिटेबल्स उनका मेनली क्या होता है प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना आपके घर तक दे डू नॉट हैव हैव एनी प्लेस दे टू कीप देयर गुड्स है एट देयर होम और एट समय फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो होता नहीं है तो घर से ही ये लोग यूजुअली ऑपरेट करते हैं इटन कितने तरीके के होते हैं याद रखना है पी एम सी एस कैसे याद करोगे पी एम सी एस हमारे पीएम ने सी एस कर ली Iternals कौन कौन हैं पीएमसीएस सबसे पहले पी होते पेडलर्स एंड हॉकर्स पेडलर्स एंड हॉकर्स कौन है जो पैदल अपना सामान लेके जाते हैं पेडलर्स पैदल ठीक है Paddlers, paddle, जो पैदल रेडी लेके जा रहे हैं कार्ट लेके जा रहे हैं हॉकर्स हो गए ये पेडलर्स एंड हॉकर सबसे पहले होते हैं मार्केट ट्रेडर्स जो छोटी छोटी मार्केट्स में अलग अलग स्ट्रीट्स पे आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रीट वेंडर्स ये आपको देखने को मिलेंगे बहुत क्राउडेड एरियाज पे जैसे रेलवे स्टेशन पे बस स्टेशन पे ये हो जाते हैं और इसी तरीके की छोटी मोटी दुकानों वाले होते हैं चीप जैक्स जो काफी चीप सामान बेच रहे हैं जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया बकेट्स वगैरह हो गए मग्स हो गए ये लोग ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो सब वो लोग हैं जिनके पास अपनी शॉप्स नहीं है आओ इन्हें डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले आता है पैडलर्स एंड दे आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स ये आपके पास वन मार्क में आ सकता है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर कौन सा है पैडलर्स एंड हॉकर दे हैव दीज आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स हु कैरी देयर प्रोडक्ट्स या तो बाइसिकल पे हैंड कार्ड पे साइकिल रिक्शा पे इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सेल देयर गुड्स एट द डोर स्टेप्स

में डील करते हैं। तो आप समझ ही कौन है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कुछ ऐसी मार्केट्स में लगाते हैं जो वीकली लगती है जैसे हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट होती है तो ट्यूसडे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टॉल्स लगाते हैं उनकी फिक्स शॉप नहीं है बट शॉप्स के बाहर वो एक तरीके से वो जो होती है ना बेड जैसी क्या बोलते हैं उनको मंजी जो होती है जिसको मंजी बोलते हैं तखत बोलते हैं खाट बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है उन पे वो अपना सामान लगा लेते हैं या किसी टेबल पे वो अपना सामान लगा लेते हैं कहीं पे एवरी संडे होता है कहीं पे एवरी मंडे होता है हमारे सिटी में एवरी ट्यूजडे होता है तो वो लोग जो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेज पे या वंस इन अ वीक पे आपको दिखाई देंगे मार्केट में उनको हम क्या बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन देयर शॉप एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन डेज जैसे एवरी संडे संडेज दे आर मेनली कैटरिंग टू लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और काफी सस्ते सामान में वो लोग डील करते हैं जैसे टॉयज रेडीमेड गार्मेंट फैब्रिक्स ये सारी चीजें स्ट्रीट वेंडर्स जैसे मैंने आपको बताया जो यूजुअली आपको स्ट्रीट्स पे चलते फिरते टॉफी बेच रहे हैं या वो पापड़ बेचने वाले होते हैं या हम छोटे जब होते थे तो हमें वो बुढ़िया के बाल बेचने वाले वो पिंक कलर येलो कलर अगर आपको याद हो आपने भी कंज्यूम करा हो तो वो लोग यूजुअली रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड्स पे ये लोग मिलते हैं दे सेल कंज्यूमर आइटम्स ऑफ कॉमन यूज स्टेशनरी ईटेबल्स रेडीमेड गार्मेंट न्यूज पेपर मैगजीन्स तो ये लोग किस में आ जाते हैं हमारे स्ट्रीट वेंडर्स में आ जाते हैं चीप जैक्स कौन से होते हैं हमारे पास चीप जैक्स होते हैं जो वॉचेस वगैरह बेच रहे हैं शूज बेच रहे हैं बकेट्स बेच रहे हैं जैसे आपने अगर देखा हो आई एम नॉट श्योर वो सब जगह होते हैं नहीं होते हैं हमारे सिटी में ऐसा होता है कि एक टेंट जैसा बड़ा सा प्लेटफॉर्म लगा लेंगे और उसके अंदर बैठ के शूज सेल कर रहे होते हैं वो यूजुअली 10-15 दिन एक जगह पे रहते हैं फिर वहाँ से वो टेंट उठा के कहीं और पहुंच जाते हैं वहाँ पे वो शूज बेच रहे होते हैं ऐसे ही वो कुछ अलग अलग तरीके के चूरन या कुछ इस तरीके के डाइजेस्टिव एलिमेंट्स वगैरह बेच रहे होते हैं आयुर्वेदिक uh, दवाइया बेच रहे होते हैं उनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती बट कुछ सर्टेन टाइम लिमिट के लिए एक हफ्ता दस दिन के लिए वो टेंट वगैरह लगा के अपना सामान बेच रहे होते हैं वो सब चीप जैक्स में आते हैं स्मॉल रिटेलर्स हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स ऑफ टेम्पररी नेचर इन बिजनेस लोकेलिटीज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द एरिया दे डील इन कंज्यूमर आइटम्स एज वेल एज सर्विसेज ठीक हो गया तो ये थे इटिनरेंट्स इन पी एम सी एस पेडलर शॉकर मार्केट ट्रेडर्स चीप जैक्स स्ट्रीट ट्रेडर्स ठीक है

तो यार सीधी सीधी सी बात है इनके पास फिक्स प्राइस होती है पैसा ज्यादा होता है मार्केटिंग ज्यादा करते हैं सेल्स अच्छे से करते हैं दे हैव ग्रेटर रिसोर्सेज पैसा ज्यादा होता है और लार्ज स्केल पे ये लोग डील करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स ड्यूरेबल होता है बेटा जो थोड़ा लंबे समय तक सामान चलता है नॉन ड्यूरेबल होता है छोटे समय में जैसे मिल्क हो गया है ना वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए वो भी तो स्टोर्स में मिलते हैं आजकल बट वो नॉन ड्यूरेबल है जल्दी खराब हो जाते हैं ड्यूरेबल हो गए जो लंबे समय तक चलते हैं ये सब में डील करते हैं इनके पास क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है क्रेडिबिलिटी का मतलब ट्रस्ट इन पे आप कर सकते हो क्योंकि ये कहीं भागेंगे नहीं गलत सामान देंगे तो आप इन्हें पकड़ सकते हो दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज जैसे होम डिलीवरी गारंटी रिपेयर क्रेडिट फैसिलिटी उधार देते हैं है ना तो ये सब कौन होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं फिक्स शॉप में भी दो हैं मैंने आपको बताया था स्मॉल और लार्ज छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार छोटे दुकानदार में कौन कौन आते हैं देखो सिर्फ आपको मेनली एक एक रीडिंग लेनी है कौन कौन आते हैं जनरल स्टोर्स जनरल स्टोर्स कौन से होते हैं जो एक जनरल शॉप होती है जिसपे सब कुछ मिलता है आपको डिओड्रेंट चाहिए मिल जाएगा आपको शेविंग क्रीम चाहिए मिल जाएगी टूथपेस्ट चाहिए मिल जाएगी टॉवल चाहिए मिल जाएगा प्लास्टिक का सामान चाहिए मिल जाएगा जो भी आपको डेली नेचर का डेली यूज का सामान चाहिए उस तरीके की हमारे आसपास एक जनरल नेचर की स्टोर होता है जिसपे सब कुछ मिलता है उनको हम जनरल स्टोर्स बोलते हैं तो जनरल स्टोर्स कौन से हैं रेजिडेंशियल एरियाज में पाए जाते हैं डील इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डे टू डे नीड्स में वो डील करते हैं दे रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स काफी लंबे समय तक खुले रहते हैं दुकान यूजुअली पूरा हफ्ता खुलती हैं सुबह खुल जाती हैं रात तक खुली रहती हैं और अपने जानकार कस्टमर्स को एक क्रेडिट भी देते हैं रेगुलर कस्टमर्स को बिगेस्ट एडवांटेज क्या है सब कुछ मिल जाता है अंडर वन रूफ यहां पे ठीक है ड्रिंक स्टेशनरी टॉयलेट प्रोडक्ट सब ठीक है जी स्पेशलिटी शॉप्स कौन से होते हैं बेटा जी स्पेशलिटी शॉप्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं जैसे एक ने बोला कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म्स में डील करते हैं या हम सिर्फ चिल्ड्रन वेयर में डील करते हैं या हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूल uh, शूज में डील करते हैं तो जो लोग स्पेशलिटी वाले होते हैं उनको हम स्पेशलिटी स्टोर्स बोलते हैं जो एक परमानेंट पर्टिकुलर फील्ड में डील कर रहे होते हैं ठीक है दिस टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड इज वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज दे आर स्पेशलाइज इन सेल ऑफ अ स्पेसिफिक लाइन ठीक है मतलब बहुत सारी वैरायटी नहीं होती स्पेसिफिक लाइन है जैसे चिल्ड्रन गार्मेंट मेंस वेयर लेडीज शूज टॉयज़ स्कूल यूनिफॉर्म्स कॉलेज बुक्स ये यूजुअली स्पेशलिटी शॉप्स को हम बोलते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कौन से होते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं जो यूजुअली स्ट्रीट्स स्ट्रीट स्ट्रीट पे छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं स्टोर्स भी नहीं हिंदी में हम लोग खोखा बोलते हैं पान के खोखे हो गए वहाँ पे लोग यूजुअली सिगरेट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं वो वो क्या है वो जुबा केसरी कंज्यूम कर रहे होते हैं लोग तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं हमारे पास ये सब स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं दीज आर स्मॉल वेंडर्स कॉमनली फाउंड वे आर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज ट्रैफिकवी जहाँ काफी ट्रैफिक होता है दे अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स एंड मेनली डील इन होजरी बेच रहे हैं टॉयज सिगरेट सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब यहाँ पे मिलता है सेकेंड हैंड गुड शॉप सेकेंड हैंड में आप जानते ही हो हमारे सिटी में सेकेंड हैंड बुक्स की शॉप्स हैं सेकेंड हैंड टायर्स मिल जाते हैं सेकेंड हैंड आपको इस तरीके के स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं सेकेंड हैंड तो ऐसी शॉप्स जो सिर्फ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील करती हैं उनको हम सेकेंड हैंड गुड शॉप बोलते हैं दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड और यूज गुड्स लाइक बुक्स क्लोथ्स ऑटोमोबल्स फर्नीचर अदर हाउस होल्ड गुड्स दीज शॉप्स में ऑल्सो स्टॉक रेयर ऑब्जेक्ट्स इनके पास रेयर ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं जैसे कॉइन्स हो गए नोट्स हो गई इनके पास तो स्ट्रीट और हैं ये आपके किस में, में स्मॉल रिटेलर्स अब आते हैं गाइज हमारे पास लार्ज रिटेलर्स लार्ज रिटेलर बट आपको ये सब नहीं पढ़ना आपको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर बाकी सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ठीक है तो हमारे सिलेबस में डिपार्टमेंटल स्टोर चेन स्टोर्स है बट मैं आपको इन सब का ही एक ओवरव्यू दे दूंगा राइट तो ये दोनों तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं वेंडिंग मशीन क्या होती है वेंडिंग मशीन होती है गाइस जो आपको आ, जैसे ए है एक मशीन लगी हुई है आप सेल्फ सर्विस कार्ड लगाओ कार्ड लगा के पैसा निकल जाएगा एयरपोर्ट्स पे स्टेशन पे पानी की बोतल के लिए ऐसी मशीन होती हैं न्यूज़पेपर पेपर मैगजीन्स के लिए ऐसी मशीन होती हैं मतलब वहाँ पे कोई होगा नहीं आप जाओ आप उसमें कॉइन डालो आपको सामान मिल जाएगा ये वेंडिंग मशीन आजकल बहुत पॉपुलर है बहुत ट्रेंडिंग है सुपर मार्केट सुपर मार्केट हमारे आसपास कोई ऐसी मार्केट जहां पे सब कुछ मिल जाए जैसे हमारे आसपास बहुत सारे मॉल्स होते हैं ना अलग अलग तरीके के जिसके अंदर सब कुछ मिल जाता है शूज भी मिल जाएंगे कपड़े भी मिल जाएंगे खाने का सामान भी मिल जाएगा सब मिलेगा उनको हम लोग सुपर बोलते हैं सुपर का भी एक ही एजेंडा होता है कि सब कुछ मिलता है अंडर वन रूफ ठीक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये बेसिकली अगर आपने चैप्टर नंबर Second ध्यान से पढ़ा है वहां पे कॉपरेटिव सोसाइटीज आया था तो कॉपरेटिव सोसाइटीज में जो कंज्यूमर मिलके सोसाइटी बनाते हैं एक दूसरे की मदद के लिए उनको हम कंज्यूमर सोसाइटी बोलते हैं सिलेबस में में नहीं है में नहीं है है ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत मेल ऑर्डर जो लोग अपना सामान मेल के थ्रू सेल करते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन होता है बट पहले क्या होता था किसी ऑनलाइन मोड में मेल से ही ऑर्डर आया मेल से ही सामान गया मेल से ही पेमेंट आया वो सब मेल ऑर्डर हाउसेज में चलता था अब जो हमें डिटेल में टॉपिक पढ़ने हैं वो है हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर और इनका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया मेरी पुरानी में ये सब भी हैं अगर आपके स्कूल में आ रहा है मतलब कुछ बच्चे हमारे अदर बोर्ड्स के भी हैं कुछ क्या बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर बोर्ड्स में भी हैं सिर्फ सीबीएसई ही नहीं है तो इन केस आपके बोर्ड्स में आ रहा है तो आप ओल्ड वीडियोस से इन सबको रेफर कर सकते हो नई समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बताना मैं नई वीडियो भी बना दूंगा बेटा ठीक है नेक्स्ट आता है अब हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर सर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है देखो सबसे पहले ये समझ लो कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जो कि बहुत बड़ा होता है मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो लोग मॉल्स को डिपार्टमेंटल स्टोर समझ लेते हैं नहीं गाइज नहीं डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ही बड़े साइज के होते हैं ह्यूज साइज के होते हैं और सब कुछ फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू एन एरोप्लेन अब ये एरोप्लेन नहीं मिलेगा वहां मतलब कि एग्जाम्पल है कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगा आपको एक बेड चाहिए मिल जाएगा सोफा चाहिए मिल जाएगा आपको छोटी पिन खरीदनी है कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है चॉकलेट खरीदनी है कपड़े खरीदने जूते खरीदने हैं जितना तुम सोच सकते हो वो हर चीज मिलेगी इवन रेस्ट रूम्स रेस्टोरेंट्स मसाज कॉर्नर्स जिम कुछ भी आपको चाहिए अपनी लेजर एक्टिविटीज के लिए वो सब डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको मिल जाएगा तो यार सब अवेलेबल है डिपार्टमेंटल स्टोर में येस इसीलिए तो इंडिया में मिलते भी नहीं है बहुत कम है छोटे छोटे मॉल को डिपार्टमेंटल स्टोर से मत कंफ्यूज करा करो डिपार्टमेंटल स्टोर इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर इज इस अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में होते हैं और सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कस्टमर नीड अंडर वन रूफ सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट एक तरीके का प्रोडक्ट होता है जैसे सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टॉयलेटरीज मेडिसिन के लिए अलग फर्नीचर के लिए अलग ग्रोसरी के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग क्लोथिंग के लिए अलग ड्रेस मटेरियल के लिए अलग सब कुछ एक ही जगह से मिलने वाला है ठीक है इट इज नॉट अनकॉमन फॉर अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन द यूएस टू कैरी नीडल टू एन एरोप्लेन ये कहा जाता है नीडल से लेके एरोप्लेन तक का यानी छोटी से छोटी से लेके बड़े से बड़ा सामान मिलता है ये लाइन लिख के आना पेपर में समझ रहे हो एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट इज द स्पिरिट बिहाइंड अ टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर बेटा जी मार्क कर लो ये तो चिपका के आनी है लाइन तुम्हें एवरी थिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट एवरी फ्रॉम अ नीडल टू एन एरोप्लेन ठीक है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स याद कर लेना बेटा अकबर अली इन मुंबई स्पेंसर्स इन चेन्नई अगर आप मुंबई चेन्नई से हो तो मुझे बताना आप यहाँ गए हो या नहीं गए हो और दूसरे मॉल और इन मॉल्स में कितना फर्क है कितने बड़े ये चीजें हैं ये भी क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़े बड़े होते हैं करेक्टिस्टिक्स चेक करो डिपार्टमेंटल स्टोर के यूजली वही सब चीजें जो आपने अभी पढ़ी हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहले सारी फैसिलिटीज जैसे रेस्टोरेंट टेलीफोन रेस्ट रूम्स सब कुछ मिलता है इनका एम क्या होता है मैक्सिमम सर्विस टू द कस्टमर ठीक है सब कुछ अंडर वन रूफ नंबर टू ये जनरली हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होते हैं हार्ट ऑफ द सिटी का मतलब मिड ऑफ द सिटी यूजुअली इतने बड़े होने के बावजूद भी सेंटर में होते हैं ताकि ज्यादातर कस्टमर यहां तक पहुंच पाए कहीं दूर कर देंगे तो कस्टमर ही नहीं पहुंच पाएगा ना डिपार्टमेंटल स्टोर में फायदा क्या तो ये मिड ऑफ द सिटी में होते हैं अ डिपार्टमेंटल स्टोर कंबाइंस बोथ द ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग दोनों काम करते हैं एक एक सामान भी बेचते हैं और वेयर हाउसिंग स्टोरेज तो ये कर ही रहे हैं ठीक है दूसरा दे आर जनरली फॉर्म डॉइंट स्टॉक कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी ओनरशिप का फॉर्म क्या है कंपनी फॉर्म में होती है शेयर होल्डर्स होते हैं अकेला इंसान तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो यूजअली बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बहुत सारे लोग मिलकर डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे होते हैं इसके बाद दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट सेंट्रलाइज का मतलब एक ही जो इनका हेड ऑफिस होगा वहीं से सारा सामान खरीदा जाएगा ऑल द परचे डिपार्टमेंटल स्टोर आर मेड सेंट्रली बाय द डिपार्टमेंट सेल्स डिसेंट्रलाइज करी जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में परचेज एक ही डिपार्टमेंट करेगा सेल अलग अलग डिपार्टमेंट से होगी ठीक है एडवांटेजेस क्या होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बहुत सिंपल बहुत बहुत सिंपल अब देखो इतना बड़ा स्टोर है तो उसके क्या एडवांटेज होंगे सबसे पहला एडवांटेज होने वाला है कि ये अट्रैक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आप खुद सोचो यार आपको अगर सब कुछ सस्ता मिले और एक ही जगह से मिल जाए प्लस लोगों को घूमने में मजा आता है तो लोग कहाँ जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अट्रैक्ट करता है ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी कि एक अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर यूजुअली सेंटर प्लेसेस पे होता है तो बहुत सारे कस्टमर वहां पे आते हैं यूजुअली वीकेंड्स पे कन्वीनियंस इन बाइंग काफी कन्वीनियंट है यानी ईजी है आप सामान यहाँ से खरीद सकते हो हर तरीके का पेमेंट मोड अवेलेबल है हर तरीके की क्वालिटी मिल जाएगी बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे तो क्यों ना यहाँ से लिया जाए तो काफी है ऑफरिंग लार्ज ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ रूफ एक ही के नीचे सब कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड ग्रेटर कन्वीनियंस टू कस्टमर इन बाइंग ऑल द गुड्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट अट्रैक्टिव सर्विसेज ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं जैसे होम डिलीवरी आपके घर दे देंगे उधार दे देंगे आपको रेस्टोरेंट दे देंगे दे दे, रेस्ट रूम दे देंगे टेलीफोन बूथ दे देंगे दे दे दे, सारी सर्विसेज पे आपको मिल जाती हैं जो भी एक इंसान को चाहिए उसके बाद इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन इकोनॉमी का मतलब समझते हो कॉस्ट कम होना ये इतने बल्क में सामान खरीदते हैं कि इनको सब कुछ सस्ता पड़ता है तो और दूसरी बात कैश में यूजुअली डील करते हैं तो इनके बेड डेप्स भी नहीं होते बहुत ज्यादा तो इनको सब कुछ इकोनॉमी पड़ता है इकोनॉमी मतलब सस्ता पड़ता है इकोनॉमिकल पड़ता है तभी ये प्रॉफिट मार्जिन भी कमा पाते हैं बहुत अच्छे लेवल पे क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो काम करेगा उसको फायदा तो होगा ही ना है ना इसका कोई डिसएडवांटेज भी है क्या यस नंबर पर्सनल अटेंशन पे आपको कोई नहीं देगा मतलब आपको पर्सनल सेल्समैन नहीं मिलेंगे अगर आप नॉर्मल किसी शॉप से कपड़े लेने के लिए जाओ तो वो पूरी जान लगा देता है आपको पहना पहना के दिखाता है बट स्टोर्स में यूजुअली सब कुछ लगा होता है यार देख लो आपको कोई पर्सनल अटेंशन नहीं मिलने वाली आप जाओ ढूंढो जो पसंद आए बिलिंग कराओ घर ले आओ तो अगर आप पर्सनल टेंशन चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं बना यहाँ पे तो आपको भाई साहब खुद करना है जो करना है बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर्स हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एक डिसएडवांटेज ये है कि इतने बड़े लेवल पे होता है इतने लोग इसमें काम कर रहे होते हैं इतने बिजली के बिल प्लेस का रेंट तो काफी ज्यादा खर्चे इसको चलाने में आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बहुत हाई रहती है कोई भी बिजनेस इतने बड़े स्केल पे होगा तो यार खर्चा तो होगा ही ना उसका एज दीज टोर्स गेव मोर एम्फेिस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेस अच्छे से सर्विसेस भी देते हैं ये लोग द ऑपरेटिंग कॉस्ट ये याद से स्टारमार कर लेना द ऑपरेटिंग टू बी हाई विच इन टन मेक्स द प्राइस ऑफ गुड्स हाई हैं आर नॉट अट्रैक्टिव टू लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल लोअर इनकम ग्रुप के लिए नहीं बना हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस कई बार लॉसेस हो जाते हैं कारण क्या है यार इतने खर्चे होंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा और कस्टमर भी बहुत सारे कस्टमर जो बस घूमने जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए चॉकलेट खा के आ जाते हैं पूरा पूरा दिन वहीं रहते हैं बेनिफिट्स लेते हैं सर्विसेज़ के और कुछ खर्चते नहीं हैं कुछ खरीदते नहीं हैं तो कई बार ये स्टोर्स लॉसेज में जाते हैं क्या लिखा है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है इनकी लार्ज स्केल ऑपरेशन हैं तो लॉसेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं है ना कि अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए डिमांड चेंज हो जाए फैशन चेंज हो जाए तो सारा सामान पड़ा का पड़ा रह जाएगा यार कितना लॉस होगा वही बात है जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लॉस नेक्स्ट इनकन्वीनियंट लोकेशन कई बार डिपार्टमेंटल स्टोर सेंट्रल लोकेशन में होता है और आपको छोटा मोटा सामान खरीदना है तो आप वहां नहीं जाओगे आप बोलोगे यार आसपास से ले लो इतनी दूर कौन जाएगा तो कई बार लोकेशन इनकनवीनियंट होती है इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की नेक्स्ट आता है गाइस चेन चेन स्टोर स्टोर व्हाट इज या मल्टीपल शॉप्स भी इन्हीं को बोलते हैं मल्टीपल शॉप्स क्या होता है एक ही आउटलेट की बहुत सारी दुकानें आप अपने आसपास देखते हो ना कि मल्टीपल शॉप्स होती हैं सिमिलर अपियरेंस की डोमिनोज देख लो पिज्जा हट देख लो हर सिटी में है लेकिन अपियरेंस सिमिलर है प्रोडक्ट सिमिलर हैं प्राइजेस सिमिलर हैं डिस्काउंट सिमिलर हैं ऑफर्स सिमिलर हैं इन्हीं को हम चेन स्टोर बोलते हैं कि पूरी की पूरी चेन है इतने सारे स्टोर्स हैं मल्टीपल शॉप्स हैं इनकी तो ऐसे स्टोर्स जो कि एक हेड ऑफिस से ऑपरेट करे जाएंगे और सब जगह सेम आपको दिखाई देंगे सेम प्राइजेस सेम ऑफर्स बट शॉप्स बहुत सारी होंगी मल्टीपल होंगी उनको चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं क्या है चेन स्टोर्स आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप्स व्हिच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडियरीज इसके अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स विद सिमिलर अपीयरेंस आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ठीक है ये यूजुअली किस में डील करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स में और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं सब एक जैसे आपको दिखाई देंगे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्लेस कैरेक्टर्सिस्टिक्स यूजली ये पॉपुलस लोकेशन में होते हैं मतलब भीड़ भाड़ वाली लोकेशन में हमें ये देखने को मिलते हैं क्योंकि इन्हें कस्टमर चाहिए यार अगर किसी ऐसी जगह बना देंगे कस्टमर नहीं है तो प्रॉफिट कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी ईच शॉप इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर जो ब्रांच मैनेजर है वो मैनेजर इसका डायरेक्ट सुपरविजन कर रहा होता है देखरेख कर रहा होता है उसके बाद ऑल द ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होगा हेड ऑफिस से और जो प्राइस है वो फिक्स्ड होते हैं और सेल्स यूजुअली कैश बेसिस पे होती है अगर कैश बेसिस पे होती है तो इनके बैड डेट्स नहीं होंगे ये इसके हम एडवांटेजेस में पढ़ेंगे चलो स्क्रीनशॉट ले लो एडवांटेजेस क्या है जी चेन स्टोर्स के सबसे पहला एडवांटेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेम पॉइंट पीछे वाला लिख देना बल्क में डील करते हैं बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं तो सस्ता पड़ता है प्रॉफिट कमाते हैं दबा के इकोनॉमीज ऑफ स्केल हर लार्ज स्केल बिजनेस पे होता ही होता है दूसरा ट्रांसफर ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स का क्या मतलब है सर समझते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे सिटी में एक चेन स्टोर है बाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं बाटा यहाँ भी है बाटा दिल्ली में भी है बाटा चंडीगढ़ में भी हूँ सपोज मैं चंडीगढ़ में हूँ अब चंडीगढ़ में कोई बाटा का आर्टिकल बिक नहीं रहा यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा तो उनका लॉस कुछ नहीं हो रहा वो सर दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे वहां कोई खरीद लेगा दिल्ली में नहीं है तो कहीं और अपने किसी और स्टोर में भेज देंगे वहां कोई खरीद लेगा तो ये लोग यूजुअली क्या करते हैं अपने गुड्स को ट्रांसफर करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो इनका नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बिकी जाते हैं इट रिड्यूस डेट्स बैड डेट्स इनके होते नहीं है क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब कुछ किस बेसिस पे होता है कैश बेसिस पे सिंस ऑल द सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस देर आर नो ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता मतलब कि प्रोड्यूसर भी यही होते हैं और सेलर भी यही होते हैं मैन्युफैक्चरर भी यही है सेलर भी यही है तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि बीच में अगर इंटरमीडियट को डालेंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट महंगा होता चला जाता है और इतना कमा नहीं पाते अभी आप ही बना रहे हो आप ही बेच रहे हो बीच में किसी को डालना ही नहीं किसी का मार्जिन ही नहीं है तो मस्ती मस्ती है आपकी है ना डिफ्यूजन ऑफ रिस्क रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एक शॉप का जो रिस्क है या एक शॉप का जो लॉस है वो कोई और शॉप जो बहुत हाईली प्रॉफिट में है वो कवर कर सकती है फॉर एग्जाम्पल मेरी तीन दुकानें हैं ए बी और सी ये लॉस में चली गई ये प्रॉफिट में जा रही है और इसको बहुत ही प्रॉफिट हो रहे हैं जबरदस्त प्रॉफिट जेड का मतलब जबरदस्त प्रॉफिट तो इसका लॉस यहां से कवर हो रहा है ना मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहूंगा है ना तो रिस्क डिफ्यूज हो जाता है ओके okay. सर इसके डिसएडवांटेज बता दो डिसएडवांटेज नंबर वन लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स इनके पास आपको बहुत सारे गुड्स नहीं मिलते हैं यूजअली ये लोग सिंगल लाइन में डील करते हैं आप कभी भी ब्रांड्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी लिमिटेड होगी अच्छी होगी उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल टच यहाँ पर भी आपको कोई पर्सनल टच नहीं मिलेगा पर्सनल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी सब आपके सामने लगा हुआ है आप देखो पसंद करो बढ़िया लगे लो नहीं पसंद बढ़िया लगता तो मत लो कोई वहाँ पर आपको खास ध्यान नहीं दे रहा नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव वही बात है इनिशिएटिव कोई नहीं देगा आपको जो देखना है खुद देखना है कई बार सेल्समैन होते हैं इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो मदद करेंगे बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे कि आपको सामान बेचना है तो क्या लिखा है द पर्सनल मैनेजिंग द मल्टीपल शॉप्स हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस दे डू नॉट गेट चांस टू यूज क्रिएटिव स्किल्स टू सेटिसफाई द कस्टमर्स तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस हैं जैसे दोनों में ही लोकेशन डिपार्टमेंटल स्टोर सेंट्रल प्लेस पे होता है मल्टीपल शॉप्स तो कई जगह पे होते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा है कि सब कुछ उसके पास मिलता है तो ये तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही यूजुअली होते हैं सर्विस ऑफर डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इसमें इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं होती लिमिटेड होती हैं गारंटी रिपेयर रिप्लेस तो सब जगह होती है वही यहाँ पे होती है प्राइजिंग यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइजिंग नहीं होती एज पर डिपार्टमेंट्स एज पर नेचर एज पर डिमांड बदलती रहती है यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस रहती है उनकी सभी शॉप्स में उधार डिपार्टमेंटल स्टोर दे देता है ये उधार नहीं देते सब कुछ कैश बेसिस पे होता है फ्लेक्सिबिलिटी ये काफी ज्यादा वाइड वैरायटी में डील करते हैं लेकिन ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये है गाइज हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर अब हमारे पास इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा बट स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस है तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अब हम चलते हैं जीएसटी की तरफ तो वह बात कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में आप लोग डिटेल में अकाउंट्स में भी पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कब आया ये पता होना चाहिए कौन कौन से टैक्सेस कवर करता है ये पता होना चाहिए एंड दैट इज इट बहुत ज्यादा डिटेल में इससे आपके नहीं पूछा जाएगा क्या है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेन बात याद रखना जीएसटी किस पे लगता है सप्लाई पे किसकी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की ठीक है एंड रिप्लेसड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी बेटा एक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है आप डिटेल में क्लास ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हो कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बस ये अभी फिलहाल याद रखोग जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स आया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है इट केम इंटू एग्जिस्टेंस कब आया जुलाई फर्स्ट दो में जीएसटी आया था और इसका मेन एम था कि मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टर के लिए कंज्यूमर के लिए लाइफ ईजी बनाना क्या बेनिफिट होंगे जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप पॉइंट्स बना के आओगे नंबर वन इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे पहले इसलिए लाया गया था कि टैक्स कंप्लायंस इजी हो लोगों को टैक्स समझ में आए बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे पहले एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स वैल्यू एडिट टैक्स सबको खत्म करके एक सिंगल टैक्स लगाया गया ताकि बिजनेस करना आसान हो ठीक है ये ऑब्जेक्टिव था दूसरा रिड्यूस द टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स पहले इतने सारे टैक्सेज होते थे जो तो टैक्स पे टैक्स लगता चला जाता था अभी ऐसा नहीं होता अभी बर्डन कम हो गया इंप्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स को देख करना आसान हो गया सरकार के लिए दूसरा टैक्स इवेजन चोरी कम हो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ब्रॉडन द ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए जा सके गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस का गवर्नमेंट को बेनिफिट ज्यादा हो और इकोनॉमी को एक बड़े नजरिए तक ओपन अप कर दिया जाए तो ये सब सोच के चली थी गवर्नमेंट की बेनिफिट्स मिलेंगे जीएसटी के लाने से अभी जीएसटी अगर देखा जाए तो बहुत टाइम नहीं हुआ है पांच साल के आसपास हो गए तो कितना बेनिफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये तो धीरे धीरे अब समय बताएगा बट ये है कि जीएसटी को बहुत सारी होप्स के साथ लाया गया था इनिशियल फेजेस में काफी टाइम लगा हमारी जनता को इसको समझने में बट अभी लोग इसके साथ धीरे 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 चीजें समझदार होते जा रहे हैं ठीक है जीएसटी हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस एट सेंट्रल और नाइन स्टेट लेवल टैक्सेस हटा दिए गए थे ट्वेंटी थ्री सेस क्या होते हैं छोटे मोटे चार्जेस होते हैं सेंटर और स्टेट के जी एस टी कम प्राइजेज ऑफ सेंट्रल जी एस टी जिसको हम सी जी एस टी बोलते हैं और स्टेट जी एस टी जिसको हम एस जी एस टी बोलते हैं ये जो बेटा सेंट्रल सी जी एस टी है ना आपने बिल पे देखा होगा कोई बिल मिलता है तो उसमें दो टैक्स लगे होते हैं सी जी एस टी और एस जी एस टी तो ये जो सी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है जो एस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है वेरियस रेट्स हैं जीरो परसेंट फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट ये जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं जिस पे जीएसटी लगता है आप जब डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए जाओगे या कहीं भी जाओगे तो अठारह परसेंट जीएसटी लगता है जिसमें नौ परसेंट सी होगा नौ परसेंट होगा तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा ये कुछ बेसिक चीजें हैं जीएसटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जीएसटी से क्वेश्चन कुछ नहीं बनता बस ज्ञान होना चाहिए जीएसटी के बारे में दिस इज इट तो ये था इंटरनल इंटरनल ट्रेड ट्रेड मुझे उम्मीद है आप को समझ में आ गया होगा हम लोग सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं फटाफट 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 एज फटा -फट, पर आर ट्वेंटी डेज प्लान होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट में तब तक अच्छे से पढ़ाई करो खूब वीडियो को शेयर करा करो यार लाइक जरूर करना और कोई इश्यू आए तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच एवरी सी ऑल टिल देन। टेक केयर बाय बाय।